हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम टू दिस वीडियो। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना मेन वर्क, इमेज प्रोसेसिंग। तो उसके लिए अपने को एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी होगी, जो है ओपन सीवी, ओपन कंप्यूटर विजन सोर्स लाइब्रेरी है ये। तो इसके जो इसका लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी साथ साथ में पढ़ते रहना। और जैसे ORG मतलब ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन का है ये, तो अब अपन थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं कि क्या है और कैसे करता है। तो इसका डॉक्यूमेंटेशन अगर अपन देखते हैं, ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं तो एक जो खोलेगा, अभी जैसे अभी वर्जन चल रहा है 4.5.2, अभी लेटेस्ट वर्जन आया था इसका, तो वो भी देखेंगे अपन। और साथ में अपन पहले देखेंगे इंस्टॉल कैसे करते हैं इसको। तो इंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, आपको अपना एक लोकल टर्मिनल खोलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे जाना है, ओपन न्यू टर्मिनल विंडो, ओके। फिर यहाँ पे आपको लिखना है जस्ट pip इंस्टॉल ओपन सीवी हाइफन पाइथन। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है तो मैं वापस इंस्टॉल नहीं करूँगा इसको। तो बस आपको ये लिखना है और आपका ओपन सीवी इसमें वर्क करने लग जाएगा आपके लोकल पीसी में, ओके। फिर उससे भी पहले आपको क्या करना होगा, के सिस्टम में पाइथन डाउनलोड करना होगा। अगर आपके पास पाइथन नहीं है तो आप इसको वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि अपना सारा काम पाइथन पे ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको पाइथन डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है। फिर उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कैसे ओपन सीवी इंस्टॉल करना था, उस प्रोसेस से आपको ओपन सीवी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो ये तो हो गया एकदम बेसिक, ये कैसे करना है क्या करना है। तो अब अपन आते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है 4.5.2 के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में। तो खोल रहा है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, ओपन सीवी ट्यूटोरियल्स, देन मॉड्यूल्स, क्लासेस, क्लासेस में लिस्ट ऑफ इंडेक्स क्लासेस, फिर डिटेल में अपन जा सकते हैं। और अभी काफी अच्छा फीचर आया है इसमें, काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं ये 4.5.2 में, कि डीप लर्निंग मॉड्यूल्स को डायरेक्टली अपन यूज कर सकते हैं। और साथ में इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का सपोर्ट भी काफी अच्छा बढ़ा दिया गया है, जैसे पिछले प्रीवियस जो चल रहे थे इसके अंदर उसमें नहीं था, लेकिन जो अभी ये वर्जन आया उसके अंदर काफी इसका अच्छा यूज है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आया है हाई क्वालिटी हाई लेवल GUI भी आ गया है, 3D रिकंस्ट्रक्शन आ गया है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए भी आ गया है, डीप न्यूरल नेटवर्क के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, क्लस्टरिंग एंड सर्चिंग, मल्टीपल डायमेंशन स्पेस, ग्राफ APIs के लिए भी आया है, इमेज स्टिचिंग का भी आ गया है इसमें। अब देखते हैं इमेज स्टिचिंग में क्या क्या है थोड़ा सा इसके अंदर। आपको डॉक्यूमेंटेशन है सारा कि कैसे कैसे क्या क्या वर्क करना है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर उसके अंदर से अपने को ऐड करना होता है, दैट्स इट, ये सारा कुछ इसमें चलता है फिर खेल। तो बाकी इसमें और भी चीजें हैं कि क्या क्या इसमें, आप बस इसको गो थ्रू हो गए तो आप जितना गो थ्रू हो गए तो तक आप रहेगा। अपन मीन वेल अपने कोर्स के अंदर भी बारी बारी इसके अंदर से अपन पास थ्रू होते जाएंगे, कि अपने को समझ में आता जाएगा कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना है और इसके अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्रोच कैसे लगानी है। तो अब अपन चलो स्टार्ट करते हैं अपना पहला कोड। तो जैसे नॉर्मल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं अपन कोई भी नई लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें अपन सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं। लेकिन इसमें अपना इमेजेस के ऊपर काम है, तो अपन सबसे पहले अपन सीखेंगे कि इमेज को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, और अपन वीडियो को कैसे इम्पोर्ट करते हैं, और वेबकैम की हेल्प से अपन खुद का कैसे फेस डिटेक्ट कर, मतलब अपने वेबकैम को कैसे ओपन कर सकते हैं। फेस डिटेक्शन भी अपन सीखेंगे, जैसे फेस डिटेक्शन होता है उस लास्ट पार्ट, क्योंकि थोड़ा सा वो AI का टच आ जाता है उसमें। तो अपन अभी जीरो से स्टार्ट करते हैं एकदम स्क्रैच से। तो चलिए कोड एडिटर खोलते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड। तो यहाँ पे मैंने खोल लिया, तो सबसे पहले न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले रीड तो यहाँ पे मैंने अपना कोड एडिटर खोल लिया है। तो सबसे पहले चलो आज नई फाइल क्रिएट करते हैं, रीड इमेज एंड वीडियो YT, क्योंकि YouTube पर जाने वाली है वीडियो, तो YT, ओके। और सारी फाइल्स और जितने भी रिसोर्सेज है मैं आपको लिंक में दे दूंगा GitHub पे अपलोड करके, इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ओके ओके। तो अब मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले क्या करना है अपने को, अपना ओपन सीवी का लाइब्रेरी इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए अपना सबसे पहले क्या लिखेंगे, CV2। तो यहाँ पे अपना ओपन सीवी का मॉड्यूल इंपोर्ट हो चुका है, तो
अपन सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे अपनी पिक्चर को, img नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, cv2 डॉट, अब cv2 के अंदर मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन होता है, क्लास जैसे img नाम से फंक्शन है, तो उसके कॉल करेंगे। और सबसे पॉपुलर पिक्चर इमेज प्रोसेसिंग में लेना, कि क्योंकि इसके अंदर माना जाता है कि सारी टाइप के फीचर्स होते हैं, तो इसके अंदर अपन इसके ऊपर प्रोसेस करना आ जाता है, तो अपने काफी हद तक चीजों के ऊपर प्रोसेस करना आ जाता है, क्योंकि इसके अंदर ये कलर्ड इमेज है, इसके अंदर एजेस भी हैं, साथ में इसके अंदर सेचुरेशन ह्यू वैल्यू सब कुछ एकदम बैलेंस फॉर्म में, ताकि इसके ऊपर अपन ऑपरेशन लगाते हैं कोई भी, या फिर कुछ भी अपन मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं, तो अपने को साफ साफ पता चलता है कि अच्छा ये वर्क हो रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप का डेटा एक साथ में आता है, जैसे कि कलर्स का हो गया, एजेस का और सबका। अपनों ने यहाँ पे cv2.img से अपनों ने अपनी जो इमेज थी उसको कॉल कर लिया। अब उसको शो कैसे करेंगे, cv2.img show, तो इससे इसकी हेल्प से ये शो होगा। कैसे होगा, तो ये दो पैरामीटर लेता है, तो मैं दो पैरामीटर डालता हूँ, इमेज मतलब जो एक इमेज निकल के आएगी उसके ऊपर टाइटल लिखा होगा उस बॉक्स के ऊपर, तो सबसे पहले उसका एक टाइटल बॉक्स देते हैं अपन, विंडो नेम जो बोलते हैं इसको नॉर्मली अपन लैंग्वेजेस में, तो विंडो नेम अपना दे दे इमेज नाम से, और इसके अंदर क्या शो होना चाहिए, अपनी जो इमेज है वो शो होनी चाहिए, तो cv2.img show। और cv2.wait की क्या करेगा कि कितनी देर तक उसको रोक के रखना है, तो 0 डाला है मतलब जब तक नेक्स्ट कोई वैल्यू, जब तक कोई की प्रेस नहीं करूंगा तब तक वो चालू रहेगी वो कमांड प्रॉम्प्ट। तो मैंने ओपन कर लिया मेरा कमांड प्रॉम्प्ट, तो मैं यहाँ पे फटाफट कमांड से इसको चालू करता हूँ, इमेज को रीड करता हूँ, रीड इमेज एंड वीडियो डॉट पाई। ठीक, तो जैसे ही मैं करूंगा तो रीड इमेज एंड वीडियो डॉट वाई टी आएगा, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, तो जैसे ही मैंने इसको किया क्लिक तो पता नहीं, तो यहाँ पे अपनी इमेज हो गई है ऊपर। ठीक, तो ये एक एक्ट्रेस की इमेज है जो बहुत पॉपुलर है इमेज प्रोसेसिंग के वर्ल्ड में, तो लेना की इमेज है। ओके, जैसे मैं देखो काफी सारे, यानी कि एजेस भी है, वेरियंट टाइप ऑफ कलर भी है, ग्रीनिश थोड़ा सा रेडिश हो गया, थोड़ा सा पर्पल ब्लू, थोड़ा सा अपन जैसे फिल्टर करते हैं तो ग्रीन भी अपने को अचीव होता है कलर, तो यानी काफी एक पॉपुलर इमेज है ये वाली। तो अब जैसे मैं कोई भी प्रेस करूंगा तो ये क्लोज हो जाएगी। ओके, दैट सक्सेसफुली क्लोज। अब अपन देखते हैं कि एक वीडियो को कैसे इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने इसको कर दूंगा कमेंट, और अपन चालू करते हैं इसका, एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत कर दिया इसको कमेंट। ओके, तो अपन देखते हैं कि इसके अपन वीडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा सीवी, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको भी बता दिया क्या, वीडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैप इजिकल टू cv2.video कैप्चर, और फिर जो अपना पाथ है फाइल का वो लिख दो इसके अंदर, तो जैसे इसमें है टेस्ट इमेज करके, हाँ टेस्ट वीडियो डॉट mp4। तो इससे ये होगा कि जो अपनी mp4 फाइल है वो एक वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी। अब अपन इसको एक्सेस कैसे करेंगे, कि अपने को शो कैसे करेंगे, तो जब तक वाइल ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो अपने जो रीड करता जाएगा कैप जो वेरिएबल है इमेज को, वीडियो को जो रीड करेगा, तो एक क्योंकि इमेज वीडियो क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इमेजेस होते हैं, तो अपने को इमेज मिलती रहेगी, उसको कंटिन्यूअसली अपन शो करते रहेंगे। कैसे शो करते रहेंगे, जस्ट अभी देखना आप, कैप डॉट रीड मतलब क्या करेगा, जो अपना वेरिएबल था उसे रीड करेगा और इमेजेस में उसको डालता रहेगा, और सक्सेस क्या है, ये रीड जो फंक्शन है दो चीजें रिटर्न करता है, सक्सेस और इमेज। तो जो सक्सेस है वो एक बुलियन टाइप का वेरिएबल है जो ट्रू और फॉल्स रहता है। ठीक, डॉट आई एम शो आई एम अ वीडियो,
आई एम वीडियो, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, आई एम अपने शो करेंगे, और कितनी देर में फ्रेम चेंज होना चाहिए, क्योंकि पहले देखा तो अपने एंटर मारा, कोई भी कीवर्ड दबाया, कोई भी प्रेस की प्रेस करी तो वहां पे अपनी विंडो एग्जिट होगी, तो अपन ये नहीं चाहते कि अपना कुछ भी प्रेस करें तो एग्जिट हो जाए, क्योंकि वीडियो पूरी चलनी चाहिए। तो कैसे और कैसे चलनी चाहिए कि कितनी देर में फ्रेम चेंज होना चाहिए, तो अपन इसका रखेंगे CV2 डॉट की वेट की, वेट की में रखेंगे अपन 1, मतलब हर एक मिनी सेकेंड के बाद में चेंज होना चाहिए। एंड तो FF = ORD Q। अब जैसे ही Q प्रेस करेंगे तो अपना जो विंडो है वो एग्जिट हो जाएगा, और ये लिखना जरूरी होता है, नहीं तो आपका जो सिस्टम है वो हैंग भी हो सकता है, इनफिनिट लूप में फंस सकता है। इसी करेंगे सेव और करेंगे इसको रन। क्या एरर आई है, उस यहाँ पे मैंने टाइपो कर दिया है, टाइपिंग मिस्टेक, तो उसको पता है फटाफट से सही। ओके तो यहाँ पे एक वीडियो है, एक लैन की वीडियो है, तो चल रही है। ओके और ये सक्सेसफुली रन होने के बाद में खत्म हो गया इसका, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी कंडीशन नहीं लगाई सक्सेसफुल एंड होने, तो यानी कि रिटर्न हो गया है, वैसे सक्सेसफुल चल गया है वीडियो। ओके अब अपन आते हैं कि अपना वेबकैम कैसे रीड कर सकते हैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अपना वीडियो पहले बंद करना होगा। तो यहाँ पे मैंने मेरा कैमरा एक बार ऑफ कर लिया, क्योंकि मेरा जो ओपन सीवी जो मॉड्यूल है वो मेरे कैमरे को एक्सेस करेगा, तो यहाँ पे डबल कैमरा एक्सेस नहीं हो सकता एक ही टाइम में, दो दो जगह एक सिंगल डिवाइस को, तो इसलिए मैंने अपना कैमरा ऑफ किया है, इस चीज़ का आप भी थोड़ा ध्यान रखना। तो मैं इसको कर दूंगा कमेंट, यहीं पे अपन बनाएंगे अपना आगे का प्रोसेस। ठीक तो क्या करना है, चीजें सेम पहले वाली, क्योंकि अपने को अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे मैंने लिखा 0, मतलब 0 क्या होता है, अपना जो बेसिक कैमरा होता है वेबकैम होता है उसके लिए होता है, और अगर आपके पास मल्टीपल कैमराज है तो उसकी सीक्वेंस अपन यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, मतलब जितने आपके कैमरा सपोर्ट हो सकते हैं आपके प्रोसेसर और अपने आपके पीसी के साथ में, उतना यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये 0 मतलब अपना जो बेसिक जो फर्स्ट कैम है उसको एक्सेस करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सेट कर दूंगा मेरा विंडो का साइज जो है उसको, तो कैप डॉट सेट मतलब हाइट और विड्थ, तो 3 होता है हाइट के लिए, 4 होता है विड्थ के लिए, तो मैं पहले इसकी हाइट को सेट करूंगा 640, कैप डॉट सेट 4480। ओके वाइल ट्रू सक्सेस, जो सेम चीजें पहले वाली आएगी, बस थोड़ा सा उसका पाथ की जगह अपना 0 आ जाएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पे आई एम श्योर, यहाँ पे लिखा मैंने आउटपुट, और यहाँ पे इमेज, और इसको क्लोज करने का वे, क्योंकि चेंज होनी चाहिए अपनी वीडियो हर बार हर एक मिली सेकेंड में, वेट की 1 एंड ORD Q प्रेस करते ही बंद होना चाहिए ये। ओके और ब्रेक सेव दिस एंड रन इट। तो यहाँ पे मेरा वीडियो आ रहा है, तो रियल टाइम में एकदम सब परफेक्ट। तो ये था इस वीडियो के लिए, तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में और भी काफ़ी आपको फंक्शंस और बताएंगे,
कैसे क्या इमेज प्रोसेसिंग और भी अपने डिटेल्स पे बात करेंगे। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।